Assalamualaikum khawateen hazrat, kaise hain? Yahan theek thaak hai, fit fat hai. We are finally back with another vlog, and in this video we will be discussing about the expected फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस. जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अभी तक जो कॉमसेट्स के टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि जो 30 जून वाला टेस्ट हुआ है, उसका रिजल्ट कब आएगा, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से ऑफिशियली तौर पर कितनी मेरिट लिस्ट जो है वो इशू की जाएंगी, क्यों कौन सी जो मेरिट लिस्ट है उसको फाइनल मेरिट लिस्ट कहा जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और बहुत कुछ. और इसी के साथ साथ अगली वीडियो में मैं नेट 7 की कंप्लीट प्रेपरेशन करवाने जा रहा हूं. सो अगर अभी तक आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया ना, गलत बात है यार, लाइक कर दिया करो, थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाती है. ए आज जरा मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा यार वीडियो लाजमी बनानी है आप लोगों के लिए. खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के बारे में. जिन लोगों को नहीं पता तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एडमिशन इज 18 जुलाई 2024. अब बहुत से लोग इस चीज को आपस में मिक्स कर देते हैं कि क्या लास्ट डेट टू अप्लाई और लास्ट डेट टू टेस्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें. नहीं भाई, आपने अगर कॉमसेट्स के थ्रू टेस्ट देना है तो आपने जो मर्जी कर लो, आपने 18 जुलाई से पहले पहले अप्लाई लाजमी तौर पर करना है. अगर अप्लाई नहीं करते तो मसला हो जाएगा. एक भाई ने कहा कि भाई मैंने डोमिसाइल गलत डाल दिया, आप क्या करें. देखिए, वैसे तो डोमिसाइल का इतना इशू नहीं बनता, लेकिन अगर आप थ्रू लेबर कोटा अप्लाई कर रहे हो तो फिर मसला बन सकता है. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पूछा गया कि इबाद भाई, क्या चौथी मेरिट लिस्ट इस्लामाबाद कैंपस की इशू की जाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के र्यूमर्स हैं, बहुत सी अफवाहें भी आजकल चल रही है इंटरनेट पे कि चार मेरिट लिस्ट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंप इस्लामाबाद कैंपस की तरफ से इशू की जाएंगी. ये मैं बता रहा हूँ बात, और आप इस चीज़ को नोट कर लें कि चौथी मेरिट लिस्ट इशू नहीं की जाएगी, तीसरी मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी, एंड इट विल बी द फाइनल ऑफिशियल मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस. अगर चौथी मेरिट लिस्ट इशू होगी तो वो इनडायरेक्टली होगी, यानी कि वो आप जो है ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, आ जाएगा अगर आप चौथी मेरिट लिस्ट में आ रहे हुए नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि कोई सीट छोड़ के जाता है ना, तो फिर आपको वो कह देते हैं कि यार अगर आप आना चाहते हैं और आप नेक्स्ट टू द मेरिट हैं तो फिर आपको दे दी जाती है. ठीक है जी. खैर, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई ये टक्कर देगा, और ये काफ़ी क्लोज टक्कर देगा कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस को इस दफ़ा. चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में. जो बीएस कंप्यूटर साइंस में जो मेरिट है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो हमारे पास है 86 या उससे ऊपर. बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग 85.5 अबव, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80 अबव. फॉर्म डी के बहुत से लोग चीज़ें पूछ रहे थे कि बाद भाई फॉर्म डी के बारे में बताएं, और फॉर्म डी का बताएंगे फॉर्म डी का क्या चलेगा भाई, किस तरीके से होगा हिसाब किताब. सो फॉर्म डी का जो मेरिट है वो हमें देखने को मिलेगा 85.2 अबव. बीएस केमिकल इंजीनियरिंग 50%. अब यहाँ से आगे मैं जो डिग्रीज बता रहा हूँ इनके मेरिट 50% है. आप में से बहुत से लोग इस चीज़ का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या इबाद भाई ये मेरिट जो होते हैं, यानी कि जो मेरिट 50% पे आते हैं, यानी कि मैं अभी जो बता रहा हूँ बीएस केमिकल इंजीनियरिंग बीबीए, ये 50% वाले मेरिट्स हैं, तो क्या ये 50 से नीचे आते हैं. नहीं, मिनिमम जो बेस होती है वो 50 होती है, 50 से नीचे नहीं होती. ठीक है जी, 50% आर दी मिनिमम एग्रीगेट या फिर मिनिमम मेरिट जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बनता है. 49 आपको कहीं भी शो नहीं होगा. ठीक है जी, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए तो वो है 50%. और मैं आप लोगों को फिजिक्स पोर्शन के लिहाज से जो कॉमसेट्स के टेस्ट में आएंगे और जो एनटीएस नेट में आएंगे वो इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने करनी है. अच्छा जी, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग 50%, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बीबीए कहा जाता है वो भी हमारे पास है जी, आप 50%, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 50%, बीएस साइकोलॉजी 50%, बीएस इंग्लिश 50%, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स 50%, बीएस स्टैट्स विद डाटा साइंस यानी कि बीएस स्टैट्स विद डीएस उसका भी 50%, बीएस केमिस्ट्री 50%, बीएस मैथ्स 50%, एंड देन एट लास्ट बीएस फिजिक्स एंड बीएस इकोनॉमिक्स They are all at 50%. यानी के electrical engineering, form D, software engineering, उसके अलावा हमारे पास है computer science और computer engineering. इनके merits 50 में नहीं होते, बाकी सब degrees के merits 50s में ही होते हैं. ये चीज़ याद रखिएगा, keep this thing in mind. नंबर टू चीज़ जो भी है वो ये है कि यहाँ पर डेटा साइंस ऑफर नहीं होती, यहाँ पर AI भी ऑफर नहीं होती. चाहे आप एक प्री मेडिकल स्टूडेंट है या फिर एक प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या जो भी है, आपको ना ही यहाँ पे AI ऑफर करने को मिलेगी और ना ही यहाँ पे डाटा साइंस ऑफर होगी, और ना ही बिजनेस डाटा एनालिटिक्स वाली डिग्री जो कि आई है इस्लामाबाद कैंपस में वो भी यहाँ पे ऑफर नहीं की जाती. अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने नेट 7 में क्या क्या चीज़ें करनी है. नेट 7 टफ होगा.
कॉम सेट्स की आने वाले दो टेस्ट थोड़े से मुश्किल होंगे लेकिन नेट 7 के बनिस्बत आसान होंगे। क्या सवाल आएंगे वो भी बताता हूँ। क्वांटिटेटिव पोर्शन में चाहे आप नेट 7 दे रहे हो चाहे आप कॉम सेट्स का टेस्ट दे रहे हो, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्लियर कट बता रहा हूँ, क्लियर अल्फाजों में बता रहा हूँ। क्या कि क्वांटिटेटिव पोर्शन में जो मैं चीजें अभी बताने लगा हूँ कर लेना, और हाँ इनकी डिटेल तैयारी भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेट 7 के लिहाज से करवाऊंगा। कौन कौन से सवाल, मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, उसके अलावा वेरियंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जनाब ज़कात वाले सवाल। ज़कात वाले सवाल के अलावा हमारे पास परसेंटेज वाले सवाल, यानी कि परसेंटेज को डेसिमल, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। उसके अलावा यूनिटरी मेथड, फॉर एग्जांपल अगर 12x की प्राइस इतनी है तो उतने x की प्राइस कितनी होगी, ठीक है जी। उसके अलावा हाँ, ये यूनिटरी मेथड जो है बेसिकली वो होता क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि इफ द प्राइस ऑफ 12x इज रुपीज 90, फाइंड द प्राइस ऑफ रुपीज 100x, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूनिटरी मेथड कैसा लगता है, पहले 1x के लिए निकालते हैं फिर 100x के लिए निकालेंगे, ये चीजें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। इसके अलावा जो सवाल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले एनडीएस में, वो ये देखने को मिलेगा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, और ये सवाल रिपीटेड है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज दिस, फाइंड द नंबर, या फिर फाइंड द जो भी है, फाइंड द नंबर या फाइंड द डिजिट या फाइंड द इंटीजर, व्हाट एवर इट इज, ये मैं डिटेल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्वांटिटेटिव किस लिहाज का, किस कैलिबर का होगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपको ये कह दिया जाए कि पी प्लस क्यू की वैल्यू ये है, पी माइनस क्यू की वैल्यू ये है, आपने वैल्यू निकालनी है पी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी, कुछ इस तरह करके सवाल होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेगा क्वांटिटेटिव में, जिसकी आप लोगों ने तैयारी भी अच्छे तरीके से करनी है, वो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस है। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का मतलब है कि विच फ्रैक्शन इज बिगर, बिगर भी आ सकता है, स्मॉलर भी आ सकता है, इसके दो तरीके सॉल्व करने के, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आने वाले एनटीएस में वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों में से कोई एक सवाल लाजमी आएगा। क्या सवाल आएगा वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मुझे इस वीडियो पर अच्छे व्यूज चाहिए और मुझे इस वीडियो पर कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए, और लाइक कर देना। इसके अलावा जो मैं चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉम सेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस की तरफ से कितनी मेरिट लिस्ट इशू होंगी, ये चीज आप लोग सुन लें कि कॉम सेट यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से फिलहाल 2 मेरिट लिस्ट इशू की जाएंगी। ये कितने चांसेस हैं कि तीसरी मेरिट लिस्ट पे मूव ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। फिलहाल जो है ना 70% चांसेस हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट वुड बी द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम सेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। हाँ, अगर थर्ड मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें डिग्रीज में कितना चेंज होगा। देखें, सेकंड मेरिट लिस्ट की एक्सपेक्टेड वीडियो तो खैर मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा, लेकिन मैं ये चीज आप लोगों को बता दूं कि सीएस का मेरिट जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो मेरिट है वो 87.8 या उससे अबव होगा। यानी कि सीएस आप जहां से भी करें, चाहे वो इस्लामाबाद कैंपस है चाहे वो आपके पास लाहौर कैंपस है, आपका एग्रीगेट तगड़ा होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे थोड़ा मेरिट इसका ज्यादा है, लेकिन ये मैं बता दूं इस्लामाबाद में इसका मेरिट बहुत कम है। मैंने बताया भी अपनी लेटेस्ट वीडियो में कि इस्लामाबाद में इसका मेरिट कितना गिरेगा। अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में कौन कौन सी डिग्रीज के मेरिट देखने को गिरने को मिलेंगे। ये तो आप लोगों को बात कंफर्म हो गई है कि 50% से कम आपको ये मेरिट नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि जितनी भी डिग्रीज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बीएस स्टैट्स और डाटा साइंस, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथ्स, बीएस इकोनॉमिक्स, इनका तो 50% है, ये चीज माइंड में बिठा लो। सेकंड चीज जो चीज ये है कि सीएस का मेरिट गिरेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में सीएस का मेरिट गिरेगा, और ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। कितना मेरिट गिरेगा ये आप लोग सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल से ये मेरिट जो है ना वो आप लोगों को हैरान जरूर करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट इतना नहीं गिरेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट इतना नहीं गिरेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट गिरेगा, फॉर्म डी का मेरिट गिरेगा। ये मेरिट्स आप लोगों को गिरते हुए सेकंड मेरिट लिस्ट में ऑफिशियली दिखाई देंगे। लेकिन कल मैं आप लोगों के लिए, कल तो नहीं परसों मैं आप लोगों के लिए, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं कल ही दो वीडियोस ले आऊंगा, एक नेट 7 की प्रिपरेशन और एक एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम सेट्स लाहौर, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, और इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि भाई क्या मुझे उम्मीदें लगानी चाहिए जो मैं लगा रहा हूँ अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या रिस्पेक्टिव डिग्री से, या फिर क्या मुझे अपना माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, क्या मुझे किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो टेस्ट मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है दो,
कोई ये ना सोचो कि यार मैंने तो इधर जाना ही नहीं है तो मैं नहीं दे रहा टेस्ट, दो फॉर द सेफ साइड लाजमी दो, बैकअप के तौर पर हर टेस्ट दो, नेट सेवन भी दो, कॉम सेट्स का भी दो। क्या आप कॉम सेट्स के तीन टेस्ट दे सकते हैं? यानी हाँ दे सकते हैं, लेकिन किस तरीके से दे सकते हैं ये मैं जरा आप लोगों को कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि अभी दिस थिंग इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड कि किस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन तीन दे सकते हैं, दो भी नहीं तीनों के तीनों दे सकते हैं। हाँ अगर 30 जून वाला किसी का रह गया आप तो दो दो ही देगा, लेकिन यू कैन गिव 3 टेस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, बिहाड़ी, वाह जो भी कैंपस है, कॉमसेट्स है और आप तीन टेस्ट दे सकते हैं। सही है जी। एक और चीज जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, स्कॉलरशिप कोई ऑफर की नहीं जाती। हाँ अगर मेरिट पे नाम आ जाता है, मेरिट का मतलब ये कि अगर यू आर इन द टॉप मेरिट तब भी कोई नहीं दी जाती। हाँ दी जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आती है, यानी कि एहसास स्कॉलरशिप आई थी पिछले दो तीन साल पहले। इस तरह पंजाब बेविलेंट वाली आई हुई है, PWWF उसका शायद नाम है, उसके अलावा हाँ जी वही नाम है उसका, उसके अलावा जो आती रहती हैं वो भी आती हैं। हाँ ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पिछले सेमेस्टर किए भी गए थे हर कैंपस में, चाहे वो लाहौर कैंपस है चाहे वो कॉमसेट्स का कैंपस है, कॉमसेट्स सेमी गवर्नमेंट है। सही है। तो इसका मतलब है कि लैपटॉप्स वगैरह रिसीव होते हैं और लैपटॉप्स वगैरह के लिए आपको वो भी क्राइटेरिया है वो बता दिया जाता है। सही है जी। ये चीज़ समझ आ गई है। नेट सेवन विल बी टफ बट इट विल बी टफ फॉर दोज जो मेरी आने वाली वीडियोज नहीं देखेगा। मैं ये बता दूं कि कॉम सेट्स के टेस्ट में वही चीज़ें आई थी ऑलमोस्ट जो कि मैंने आप लोगों को अपनी लेटेस्ट वीडियो में बताई थी, यानी कि हाउ टू गेट 90+ इन कॉम सेट्स वाली वीडियो में। सही है जी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।